हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आस्थाज किचन। आज हम बना रहे हैं गुड़ की चाय। गुड़ के बारे में तो आप लोग जानते ही हैं कि गुड़ कितना फायदेमंद होता है। गुड़ पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। गुड़ के सेवन से शरीर में खून बढ़ता है। दूध में गुड़ मिलाकर पीने से कब्ज की समस्या दूर हो जाती है। गले में खराश हो या सर्दी खांसी हो तो उसमें भी यह राहत पहुँचाता है, खून को साफ रखता है। गुड़ की तासीर गर्म होती है और यदि इसे पानी में मिलाकर पिया जाए तो इसकी तासीर ठंडी हो जाती है। तो चलिए फिर गुड़ की चाय बनाना शुरू करते हैं। गुड़ की चाय बनाने के लिए हमने 1 कप दूध और 1 कप पानी लिया है। आप दूध और पानी अपने अनुसार ले लीजिए। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करके पानी को गर्म होने के लिए रख देंगे। जब तक पानी गर्म हो रहा है हम इसमें डालने वाले इंग्रेडिएंट्स को कूट लेते हैं। इसके लिए हमें 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, 3 तुलसी के पत्ते, 2 हरी इलायची, 5 से 6 दाने काली मिर्च के लिया है। इन्हें हम कुछ इस तरह कूट लेंगे, एकदम से पेस्ट नहीं बनाएंगे, इन्हें ऐसे दरदरा रहने देंगे। इधर पानी उबल रहा है, अब हम इसमें कूटी हुई अदरक और अन्य इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे। इन्हें थोड़ी देर ऐसे ही पानी का कलर चेंज होने तक पकाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पानी का रंग बदल चुका है। अब हम इसमें 1 चम्मच चाय पत्ती डाल देंगे। चाय पत्ती ने भी रंग छोड़ दिया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ आपको जितना लेना हो ले लीजिए। गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। यदि गुड़ मेल्ट नहीं होगा और ऐसे में हम दूध डालेंगे तो चाय फट जाएगी। अब हम दूध अच्छे से उबाल आने तक गर्म करेंगे। दूध उबलने लगा है, हम चाय में गरम गरम उबलता हुआ दूध डाल देंगे और चाय को अच्छे से उबाल आने तक पकाएंगे। यदि इस तरह से गुड़ की चाय बनाएंगे तो चाय कभी नहीं फटेगी, चाहे आप जितना भी इसे पकाएं। आप देख सकते हैं चाय बिल्कुल नहीं फटी है। चीनी की जगह गुड़ का इस्तेमाल करें और स्वस्थ रहें।